थ्रो बॉल, एक के पीछे एक खड़े होंगे तो फिर जो खाली स्थान है वो वहां पे फेंक देगा बॉल, तो फिर वो उनका पॉइंट बन जाएगा, इसलिए हम ग्राउंड को कवर कर देते हैं। देखिए ये है जो वॉलीबॉल का ग्राउंड है, वही थ्रो बॉल का ग्राउंड है। इसमें 16 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई होती है और यहाँ पर ये सेंटर लाइन होती है और यहाँ पर 1 मीटर की एक और लाइन होती है डेड एरिया। वो डेड एरिया होता है ना, तो उसमें हमें बॉल पकड़नी होती है और ना ही उसमें हमें फेंकनी होती है, ठीक है। इसमें 12 प्लेयर होते हैं, 9 खेलते हैं इसके अंदर, 3 एक्स्ट्रा होते हैं इसमें, ठीक है। और इसका जो रोटेशन है यहाँ से शुरू होगा 1 नंबर, 1 2 3, इसके बाद 4 नंबर वहाँ, 5 6 7 8 9, जो सर्विस करता है वो 9 नंबर होता है, ठीक है। सर्विस हमें ग्राउंड के बाहर से करनी होती है। जो वॉलीबॉल है उसमें तो वो फ्री एरिया होता है, लेकिन इसके अंदर जो एरिया बना हुआ होता है, बॉक्स बना होता है, हमें उसी के अंदर से करनी होती है, ठीक है। और जब हम रोटेशन करेंगे जो 9 नंबर है वो 1 नंबर पर आता है और फिर 1 नंबर ऐसे ये खिसकता चला जाता है, 1 2 की जगह पर, 2 3 की जगह पर, जो यहाँ 3 है वो 4 पर चला जाएगा, जिक जैक होगा, 4 5 की जगह पर 5 6 और अगर 7 8 9, फिर बस ये इस तरह रोटेशन होता है, ठीक है। अगर हमें कभी भी बॉल नहीं फेंकनी, ऑफ आउट होगा, हमें खड़े होकर फेंकनी, हाँ मूव कर सकते हो आप, लो शाबाश, ये